प्रदेश में बीजेपी की सत्ता परिवर्तन रथ यात्रा लगातार जारी है। इसी कड़ी में बीजेपी का मिनी रथ हमीरपुर पहुंचा। इस रथ के जरिए बीजेपी कार्यकर्ता आम लोगों तक केंद्र शासित मोदी सरकार की नीतियों को पहुंचाएंगे। रथ में एक बड़ी स्क्रीन लगाई गई है जिसके जरिए लोगों को केंद्रीय योजनाओं के बारे में जागरूक किया जा रहा है। बीजेपी का रथ आगामी एक महीने तक हमीरपुर चुनाव क्षेत्र में रहेगा। रथ के जरिए हमीरपुर चुनाव क्षेत्र के अलग अलग हिस्सों में कार्यकर्ताओं द्वारा केंद्र की नीतियां पहुंचाई जाएंगी। वहीं इस दौरान बीजेपी कार्यकर्ता प्रदेश सरकार की नाकामियों को भी जनता के समक्ष रखेंगे और केंद्र सरकार की कल्याणकारी नीतियों को लोगों तक पहुंचाया जाएगा। वहीं मिनी रथ के साथ कार्यकर्ता और लोगों को सेल्फी लेते हुए भी देखा गया। वहीं शहरी भाजपा प्रभारी आदर्श कांत ने बताया कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में 17 रथ भेजे गए हैं। इन रथों के माध्यम से लोगों को प्रदेश सरकार की नाकामी और केंद्र सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया जाएगा। उन्होंने बताया कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के 92 बूथों पर ये रथ जाएगा और लोगों को केंद्रीय योजनाओं के बारे में जागरूक करेगा। हर संसदीय क्षेत्र में ये मिनी रथ जो है भेजे गए हैं पार्टी की तरफ से। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में भी 17 जो रथ हैं वो भेजे गए हैं। ये हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र का रथ है, गांधी चौक से हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं और ये जो केंद्र सरकार की उपलब्धियां हैं और जो हिमाचल सरकार की वीरभद्र सरकार की नाकामियां हैं उसके बारे में ये रथ में ये प्रचार करेगा और जो हमारे मोदी जी ने 3 साल में केंद्र की सरकार ने किया है वो उपलब्धियां जो हैं वो इस रथ के माध्यम से हर बूथ पर ये रथ जाएगा। हमीरपुर विधानसभा क्षेत्र के 92 बूथों पर जो है वो रथ जाएगा।